नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, राग भैरव गाते वक्त गाने में मिठास कैसे लाए, इस विषय के ऊपर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राग भैरव गाते वक्त 5 शुद्ध स्वर और 2 कोमल स्वरों का उपयोग किया जाता है। इसमें रे और धा, ये 2 स्वर कोमल है। यह राग भैरव ठाट से उत्पन्न होता है, इसलिए राग भैरव को अहिर भैरव तथा नट भैरव, इस राग का समप्राकृतिक राग माना गया है। इस राग के आरोह में 7 स्वर तथा अवरोह में 7 स्वर होने के कारण से इस राग की जाति संपूर्ण मानी गई है। भैरव राग का गान समय विद्वानों के अनुसार प्रातः काल का बताया जाता है। इस राग का वादी स्वर कोमल धैवत तथा संवादी स्वर कोमल ऋषभ है। दोस्तों, राग भैरव प्रातः काल का राग होने के कारण से मॉर्निंग रियाज के लिए ये सबसे बेहतर राग माना जाता है। आप अगर सुबह की प्रैक्टिस करते हैं तो आप भैरव राग को चुन सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। भैरव राग में ऋषभ और धैवत दोनों स्वर आंदोलित हैं। उन स्वरों को किस तरीके से गाना चाहिए और हमारी गाने की खूबी कैसे बढ़ानी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, हम भैरव राग गाते वक्त एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। रे और धा को हमें सीधे सीधे नहीं गाना है। जिस स्वर को आंदोलन होता है, उस स्वर के पीछे का एक और आगे का एक स्वर, इनका हम यूज करते हैं आंदोलन करने के लिए। तो राग भैरव में कोमल रे और कोमल धा, ये 2 स्वर आंदोलित है। तो इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो आंदोलन कैसे हो रहा है। दोनों तरफ से वो होगा, रे और गा के बीच एक आंदोलन है तथा सा और रे के बीच एक आंदोलन है। तो दोनों को आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। असेंडिंग करते वक्त हम सा और रे के बीच आंदोलन करेंगे और जब डिसेंडिंग होगा तो गा और रे का। यह है असेंडिंग करते वक्त का आंदोलन। और जब डिसेंडिंग करेंगे तो आंदोलन रे और गा के बीच होगा, जैसे गा मा रे सा गा मा गा मा रे सा। ऋषभ को हमें इस तरीके से ही लगाना है।
हम गलत क्या करते हैं। गा मा रे सा। दोस्तों ये भैरव नहीं है। गा मा रे सा या धा नि सा रे सा गा मा रे सा गा मा रे सा धा नि सा रे सा। ये भैरव के ही स्वर है, पर हमें भैरव राग को गाते वक्त ऐसे नहीं गाना है, हमें इसमें मेलोडी डालनी होती है, तो वो क्रिएट हमको ही करना है। तो आपको इस चीज को बारीकी से ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो आंदोलन कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। इस एक फ्रेज से ही आप भैरव राग को दिखा सकते हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल एक फ्रेज गाने से ही आप किसी भी राग को दिखा सकते हैं। अब कोमल धा को कैसे आंदोलन करना है देखिए। दोस्तों हमें गलत नहीं गाना है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि गलत कैसे होता है और फिर उसको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं ताकि हमारे गाने में मिठास बढ़े। गा मा धा पा गा मा रे सा। इस तरीके से हम भैरव राग नहीं गा सकते। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें मिठास कहाँ है। राग संगीत जो भी है ना, उसमें मिठास होनी चाहिए, इसलिए तो उसको मेलोडियस म्यूजिक कहा जाता है। जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो बेस्ड है हारमोनी के और रागा म्यूजिक मेलोडी के ऊपर, तो इसमें मेलोडी कहाँ है। हमें गानों में तो मेलोडी दिखाई देती है, पर जो गाने बनते हैं वो इन्हीं रागों से बनते हैं, तो फिर रागों के अंदर हमें मेलोडी ढूंढनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए। एक बार फिर देखिए कि हम गलत कैसे गाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सही कैसे होता है। गा मा धा पा गा मा रे सा। ऐसा करने से हमें लगता है कि ये भैरव राग है, पर ये भैरव नहीं है। भैरव राग कैसे होता है देखिए। गा मा धा इस तरीके से हमें आंदोलन करना है, तभी यह राग भैरव होगा। गा मा धा नी सा गा मा धा नी सा सा मा पा।
ऊपर देखिए कैसे गाना होता है। दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि राग भैरव को किस तरीके से गाया जाता है। हम किताबों से सीखते हैं दोस्तों, किताबों से सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली जाती है, सीखा जाता है किसी गुरु के सामने बैठ के। इसलिए आपको YouTube से आप ये इन्फॉर्मेशन लीजिए, पर आप किसी अच्छे गुरु से ये नॉलेज लीजिए, क्योंकि जब तक आप किसी गुरु के सामने बैठ के सीखेंगे नहीं, तब तक ये सारी चीज़ें आपको आएगी नहीं। YouTube से देख के आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज और एनर्जी ये आपको गुरु के सामने बैठ के ही मिलेगी। तो आप कोशिश करिए कि किसी अच्छे गुरु के पास जाके इस राग का ज्ञान लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर हमारा सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।